प्रिवेंशन इन कॉग्निजेबल केसेस, एफआईआर टर्म यूज करता है ये कहीं? क्या सीआरपीसी के अंदर कहीं टर्म एफआईआर रिटन है? द टर्म एफआईआर इज नो वेयर रिटन एंड डिफाइंड इन द सीआरपीसी. एफआईआर इज जस्ट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन द कॉग्निजेबल केसेस. हाउएवर वी टेक the FIR to emerge from this provision only, section 154 only. FIR is nothing but the first information received by the police, given by the informant in a criminal matter to set up the criminal law in action or motion. इसी first information की वजह से, इसी इंफॉर्मेशन की वजह से जो सेक्शन 154 में लिखी हुई है, इसकी वजह से हमारा क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट होता है. ट्रिगर दबाते हो ना पिस्टल में, क्रिमिनल मशीनरी को एक्टिवेट करने का ट्रिगर यही है सेक्शन 154 एज फार एज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसर्न्ड, कॉग्निजेबल केसेस आर कंसर्न्ड. जनरली और कोई तरीका नहीं है. देखिए सेक्शन 154 information in cognizable cases, every information relating to the commission of a cognizable offense, हर information जो किससे relate करती है, cognizable offense से relate करती है, if given orally to an officer in charge of police station shall be reduced in writing. तो पहला आपको क्या पता चलता है कि जो आपकी first information report है या फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से आएगी. पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि दैट इज मस्ट रेफरेंस टू ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है. और इसका क्या मोड हो सकता है, मे बी गिवन ओरली. अगर ये ओरली दी जा रही है तब क्या होगा, इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन पार्ट भूल गए, हेड कॉन्स्टेबल से ऊपर. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का मतलब सिर्फ नहीं है एसएचओ ही होगा. हमारे सीआरपीसी के ही डेफिनेशन पार्ट जब हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था, सेक्शन 2 क्लॉज ओ के अंदर बताया गया है स्पेसिफिकली कि पुलिस ऑफिसर इन चार्ज कौन होगा. जब पुलिस ऑफिसर अगर स्टेशन हाउस के अंदर अवेलेबल नहीं है, ड्यूटी परफॉर्म करने में समर्थ नहीं है, तब उस कंडीशन के अंदर एनी अदर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट हु इज नेक्स्ट इन कमांड टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज. मगर एक कंडीशन है कि वो हेड कांस्टेबल से ऊपर के रैंक का होना चाहिए, उससे नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए. तो क्या अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि क्या सर हेड कांस्टेबल से नीचे का कभी भी कोई, हम उसको पुलिस ऑफिसर इन चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? हमने तो कई बार ये देखा है, छोटी छोटी चौकियां लगी होती हैं, आप देहरादून से मोहंड के जंगल में पार करके जाओ तो बीच में एक पुलिस पिकेट है, तो क्या वहां बड़ा अफसर ही होगा पुलिस का? हो सकता है हेड कांस्टेबल भी ना हो, सरकार ने एक छोटे चौकीदार को रख दिया पुलिस चौकीदार को. तो उस केस के अंदर हमारे सीआरपीसी ने एक लिखा है कि एनी और किसी इंसान को भी आप पुलिस ऑफिसर इंचार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, मगर उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट स्पेसिफाई नो बाय नोटिफिकेशन इन दिस बिहाफ. जनरल रूल सीआरपीसी का यह है कि किसी भी कंडीशन के अंदर हेड कांस्टेबल से ऊपर का रैंक का अधिकारी को ही आप पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ट्रीट करोगे अगर ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर आपका पीआईओ अवेलेबल नहीं है. तो नॉर्मल कंडीशन में आप उससे नीचे के किसी रैंक के अधिकारी को पुलिस ऑफिसर इंचार्ज डेजिग्नेट नहीं कर सकते, बशर्ते एक कंडीशन है कि जिस केस के अंदर सरकार ने कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के बोल दिया है कि इवन अ कॉन्स्टेबल कैन सर्व एज द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, तब उस केस के अंदर वैलिड हो सकता है, अदरवाइज कैन नॉट बी वैलिड इन दैट पर्टिकुलर केस. कोई सवाल है तो बेटा पूछ लीजिए. अभी तक आपको ये पता चला है कि अगर ओरल है, ओरल टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग. अगर ओरल तरीके से दी गई है, मतलब मुंह से बोल के दी गई है इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, देन इन दैट केस दैट शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग. Shall be reduced in writing का मतलब क्या है, mandatory on the part. Yes, अगर पुलिस स्टेशन के अंदर दरख्वास्त देने
कोई ऐसा फरियादी आता है, इन्फॉर्मेंट आता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, या इवन पढ़ना भी आता है लिखना भी आता है मगर देना नहीं चाहता, बोल भी देना चाह रहा है, क्योंकि भाई जिसके साथ क्राइम हुआ है वो तो ऑब्वियसली डिस्ट्रेस में होगा ना, तुम्हारी कंप्लेंट लिख ले बैठेगा। तो अगर उसने बोल के कोई इन्फॉर्मेशन दी है देन इन दैट केस इट शैल, शैल का मतलब है मैंडेटरी, शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम। या तो वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर खुद लिखेगा या फिर अंडर हिज डायरेक्शन। अंडर हिज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ही कैन डेजिग्नेट हिज सुपीरियर सबॉर्डिनेट टू राइट और टू कन्वर्ट ओरल इंफॉर्मेशन इनटू द रिटन फॉर्म। या तो खुद करे या अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन देके उससे लिखवाए, मगर ये मैंडेटरी है। एंड अच्छा इससे क्या हुआ कि इफ गिवन ओरली तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इससे एनालिसिस निकाल पा रहे हैं कि इट मे ऑल्सो बी गिवन इन रिटन फॉर्म। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेंट है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बेरैक से निकालनी होती हैं, कैन ऑल्सो बी गिवन इन रिटन फॉर्म। अगर फिर क्या होगा, इट शैल बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट को जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसने बोला और आपने कुछ लिखा, उसके बाद आप उसको पढ़ के सुनाओगे। और इस पढ़ के सुनाने का पर्पज क्या है, इस बात को कंफर्म करना कि आपने वही लिखा है जो वो लिखवाने आया था। बाद में ये ना कह दे मैंने तो कुछ और बोला था और इन्होंने कुछ और लिख दिया। आप उसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करो, तहकीकात करो जिस चीज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देने आया था। और जब आप उसको ये बता देते हो, समझा देते हो कि वी हैव रिटन दिस, देन इन दैट केस क्या होगा, एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इन राइटिंग। गिवन इन राइटिंग का मतलब ओरिजिनली जिसको राइटिंग की तरह दिया गया था, बेटा फोन साइड में रख ले, और रिड्यूस्ड टू राइटिंग। गिवन इन राइटिंग का मतलब जिसको ओरिजिनली राइटिंग में दिया गया, दूसरा रिड्यूस्ड टू राइटिंग मगर इनिशियली ओरली दी गई थी, बाद में उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। एज अफोरसेड शैल बी, अगेन मैंडेटरी, जरूरी है, ऐसा होना ही होना पड़ेगा। शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, चाहे आपने कोई रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है पुलिस थाने के अंदर या ओरल दी थी, उसको लिखा गया और आपको पढ़कर सुना दिया, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया दे रहा है उससे भी साइन करवाए जाएंगे उस इन्फॉर्मेशन पे कि हाँ हमने वही इन्फॉर्मेशन लिखी है जिसकी जानकारी तुम देने आए थे, हमने अपने आप से नहीं लिखा। एंड सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी कैप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ। सब्सटेंस देयर ऑफ, ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आई आपने अकड़ बकड़ बम्बे वो कुछ भी एज इट इज आपने जनरल डायरी के अंदर लिख दी। बुक क्या है आपकी, यहां पर बुक इन सच फॉर्म, यहां पर ये जनरल, हम इसको स्टेशन हाउस डायरी की तरह लेते हैं, जनरली ये रजिस्टर होता है जिसको हम FIR रजिस्टर कहते हैं, ठीक है, या जिसको आप जनरल डायरी भी बोल सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, उसको कंसाइज करके प्रिसाइज करके उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, बस इतना। आपको वो कहाँ लिखनी है, जनरल डायरी के अंदर लिखनी है, स्टेशन डायरी के अंदर लिखनी है, और इसका जो फॉर्मेट होगा वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो कितने पॉइंट आपको पता चले, जब भी कोई भी आपकी FIR इन्फॉर्मेंट आया, इन्फॉर्मेंट आया इन्फॉर्मेशन लेके रिगार्डिंग दी कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक, ये फ्लो चार्ट बनाते रहा करो, वो कैसे दे सकता है, ओरल भी दे सकता है या फिर रिटर्न भी दे सकता है, ठीक है। अगर ओरल आई है तो क्या होगा, दैट विल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग
आइदर बाय पुलिस ऑफिसर इन चार्ज या फिर अंडर हिज डायरेक्शन, या तो खुद लिखे या अपने किसी सबॉर्डिनेट को बोल दे। लिखने के बाद क्या होगा, बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, रेड ओवर टू इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन लिखवाने आया था आप उसको पढ़ के समझाओगे। पढ़ के समझाने के बाद क्या होगा, साइन, साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। यहां तक क्लियर? अब रिटर्न फॉर्म में आ रहा है तो क्या होगा, सीधा इस पे साइन ले लिए जाएंगे, है ना। इसको पढ़ के सुनाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही लिख के लाया था, तो उसको समझदार है वो क्या लिख के लाया है, तो सीधा आप उस पे साइन कराओगे। साइन कराने के बाद इस वाले स्टेप से भी और इस वाले स्टेप से भी, सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, will be entered in general diary, station house diary, FIR register, कुछ भी बोल दो उसको। और जब ये register की जाती है FIR, तो उसको बकायदा एक serial number दिया जाता है। serial number दिया जाएगा, date लिखी जाएगी, place लिखा जाएगा कहाँ पर ये crime हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। अगर ये jurisdictional FIR है तो मतलब जिस थाने के अंदर, area के अंदर कोई crime हुआ है वहीं पे इन्फॉर्मेशन आती है, तो सीरियल नंबर जरूर लिखा जाएगा। जीरो एफआईआर कराएंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके अंदर, जीरो एफआईआर के अंदर सीरियल नंबर नहीं लिखा जाता तो क्या लिखा जाता है, वो चीज हम जब हम डिस्कस करेंगे। ये यहां तक पॉइंट हो गया आपको क्लियर, सेक्शन 154 BS। और उसके साथ साथ जो वो इन्फॉर्मेशन देने आया था, रिड्यूस इन राइटिंग किया, उसको आप एफआईआर की कॉपी के साथ अटैच करोगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगी 157-158 के अंदर, ताकि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले ले। आप ये मतलब मैजिस्ट्रेट को ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो जस्ट कि भाई साहब आपके इलाके के अंदर क्राइम हो गया है, अब आपको इस पे के फैसला सुनाना पड़ेगा, थोड़े से आप भी एक्टिव हो जाओ, बहुत सोलिए। इसका पर्पस ये होता है सिर्फ, इसको हम अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं सेक्शन 157-158 के अंदर, कि अकरेंस रिपोर्ट का पर्पस सिर्फ यही होता है, टू अपराइज द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर दैट अ क्राइम हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड एंड वी हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, जस्ट वी हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। और 24 घंटे के बाद हम अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे कि हमने इतनी इतनी इन्वेस्टिगेशन कर दी है, उसके बाद तुम अपना दिमाग चला सकते हो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेन कॉपी आपकी वो है जो आप एफआईआर रजिस्टर में लिख रहे हो, एफआईआर वो है, ना कि आपने जो रिड्यूस्ड इन राइटिंग। देखिए कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेंट है वो बहुत परेशान होता है, बहुत सारी चीजें। अब देखिए जैसे कोई महिला के साथ उसके पति ने मारपीट कर दी, ठीक है, या पड़ोसी के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया, उसमें वो 70 चीजें बताएगी, मैं अपने मायके से ये लेके आई थी, इसने मेरे को ऐसे करता था, मेरे को गालियां सुनाता था। मगर हमारी मेन एफआईआर का कंसर्न पहली वाली चीजों से नहीं है, उस मोमेंट पे क्या हुआ कि इसने मेरे को चाकू मारा, गंडासा मारा या ये किया, वो मेन ऑफेंस है। उसी से तो हमारा मेन ऑफेंस आउटपुट निकलेगा ना, कि ये हर्ट हुई है, ग्रीसीवियस हर्ट हुई है, या अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, या और कोई ऑफेंस हुआ है। तो उतनी राम कहानी ना निकले, सिर्फ ये क्रक्स कि ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस द अक्यूज्ड डिड दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ये मतलब इस इन पॉइंट्स पे हमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, ये सारी चीजें। और ऑन द प्रेमा फेसाई कैसा लगता है कि ये ऑफेंस है कॉग्निजेबल नेचर का और इस ऑफेंस के अंदर आता है, इस पे हम अपनी तहकीकात शुरू कर रहे हैं, जस्ट ये पर्पस होता है। यहां तक ये क्लियर? अब देखिए, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, कैसी इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करती है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर कई बार ये बोल देते हैं कि हमें तो लगता ही नहीं कि ऑफेंस हुआ है। भाई अगर मैं इंफॉर्मेशन जाके दे रहा हूं कि मेरे घर में चोरी हो गई है, या किसी के घर में किसी के साथ कोई ग्रीवियस हर्ट हो गई है, कुछ हो गया है, तो ऑब्वियस। और आईपीसी को देख लो ना एक बार, शेड्यूल को, सीआरपीसी के शेड्यूल को देख लो, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उसके बाद तुम क्यों नहीं इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर रहे। आपने देखा होगा ना कि कई बार अगर आपका फोन चोरी हो जाए
पुलिस वाले से तुम FIR करवा के दिखा दो, मान जाऊंगा। पुलिस वाला क्या कहते हैं, आप उसको, आपको उस टाइम अपना दूसरा नंबर लेने की हड़बड़ी होती है, तो आप से वो क्या लिखवाता है, लिखवाता है कि मेरा फोन गुम हो गया है, फोन चोरी नहीं हुआ है, गुम हो गया है। गुम होने का मतलब क्या है कि अब उसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं, गुम हुआ है तो तुम्हारी गलती से हुआ है। अगर तुम उसके अंदर यही लिख देते कि मेरा फोन चोरी हुआ है, हेफ्ट हो गया ना IPC के अंदर, गुम होना तो ऑफेंस नहीं है। यही कारण है कि वो आपको ये बोलते हैं और फटाफट मोर मार के, हाँ तुम नया सिम इशू करा लो जाओ। क्योंकि अगर कॉग्निजेबल उन्होंने चोरी दिखा दी ना, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, पहले अकरेंस रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, फिर 24 घंटे के अंदर फिर मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा कि हमने इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये कर लिया है। ये चीज है। अभी हमारा हाल ही के अंदर उत्तराखंड APO का रिजल्ट आया है, जिसके अंदर हमारे 4 स्टूडेंट ने धमाका किया है। द 4 स्टूडेंट्स ऑफ दून लॉ मेंटर हैज बीन सेलेक्टेड इन द UKPSC असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम। अगर आप भी जज या फिर सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन द दून लॉ मेंटर कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन आप हमारी एंड्रॉइड ऐप पे, iOS लाइट ऐप पे आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ऑफलाइन में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देहरादून में हमारा संस्थान है, आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।